बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर एजाज हैदर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अदा करे, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज का जो मेरा नुस्खा है वो है खम्बी यानी मशरूम के फ़ायदे। दोस्तों डायबिटीज़, कैंसर, औरतों की बीमारियों को कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल करें, इसमें बहुत मुफीद है। खम्बी ज़माना कदीम से आला दर्जे की सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, मगर इस्तेमाल से बेशतर इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहरीली खम्बियाँ मौत का सबब बन सकती हैं। यूरोप और अमेरिका में इनकी बाकायदा फसल के तौर पर काश की जाती है। 6 से 12 ग्राम खम्बी एक अच्छी ग़िज़ा है, क्योंकि लम्बियात का बेहतरीन बदल है खम्बी में हयातीन विटामिन्स लम्बियात वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म खम्बी के इन अज़ा को आसानी से जज्ब कर लेते हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इजाज़ हैदर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मौसूल हो सके। चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। खम्बी में नशास्ता और रोगनियात की मकदार कलील होती है। खम्बी मोटे लोगों के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। खम्बी इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। खम्बी प्रोटीन से भरपूर होती है। खम्बी में ऑक्सीजन काफ़ी मकदार में पाई जाती है। खम्बी हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदेमंद है। खम्बी हेपेटाइटिस के मर्ज में बहुत फ़ायदेमंद है। खम्बी औरतों की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है। खम्बी कील मुहासे कम करने में मदद करती है। खम्बी मिर्गी के मर्ज में फ़ायदेमंद है। खम्बी दमा और एलर्जी के खात्मे के लिए बहुत अक्सर काम करती है। खम्बी कैंसर से बचाती है। भूख की कमी को बढ़ाती है, थकावट को दूर करती है। खम्बी डिप्रेशन का खात्मा करती है। खम्बी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। खम्बी बेख्वाबी में फ़ायदेमंद है। खम्बी दिल के अमराज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। डॉक्टर एजाज हैदर को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए रेमेडी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।